अक्सर मीठा खाने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसे आम बात ना माने, इसके पीछे एक कारण है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि मीठा खाने के बाद आखिर प्यास लगती क्यों है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा ये खास वीडियो और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मीठा खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें इतनी ज्यादा प्यास क्यों लगती है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप कुछ मीठा खाते हैं, जैसे कि पेस्ट्री, मिठाई, चॉकलेट, तो आपको तेजी से प्यास लगती है, अचानक से खूब सारा पानी पीने का मन करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मीठा खाने से प्यास ज्यादा लगती है? अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक प्रोफेसर कैरोलिन अपोवियन कहती हैं कि मीठा खाने के बाद प्यास लगने का कारण आपके ब्लड शुगर के लेवल का बढ़ना है। जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो ये आपके पेट में जाता है और उसके बाद आपके रक्त प्रवाह में। चीनी इस पानी को सोख लेती है। एक बार जब आपके खून में शर्करा यानी कि चीनी के कण पहुंच जाते हैं तो वे कोशिकाओं में मौजूद पानी को सोखने लगते हैं। ऐसे में शरीर में मौजूद पानी निकलकर खून में चला जाता है ताकि खून में चीनी के संतुलन को बनाए रखा जा सके। जैसे जैसे आपकी कोशिकाओं में पानी कम होने लगता है, कोशिकाएं मस्तिष्क को सिग्नल भेजती हैं जिससे शरीर को ये संकेत मिलता है कि उसे अधिक पानी की जरूरत है, और इस तरीके से आपके मस्तिष्क के पास सिग्नल आता है कि आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर कहती हैं कि घटनाओं की ये श्रृंखला बहुत तेजी से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में काफी तेजी से पहुंच जाता है। इसलिए मीठा खाने के बाद महज 5 से 10 मिनट के भीतर ही आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपको मीठा खाने के बाद प्यास लगती है तो आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बल्कि एक गिलास पानी पीना चाहिए। पानी ही आपकी प्यास को बुझा सकता है, साथ ही इसी की डिमांड आपके शरीर में हो रही है तो आपको पानी ही पीना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो सके। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम लेकर आएंगे ऐसे ही और काम की जानकारियां। आपके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।